दौड़ का मुकाबला तो जरूर होगा, पर तुम बेबी ड्रैगन्स और तुम सुपर भीम दौड़ सकते हो, तो ये मुकाबला बराबरी का नहीं रहा। बात तो तुम्हारी सही है कालिया, तो तय रहा, इस मुकाबले में सिर्फ दौड़ना है, उड़ना नहीं। जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरी रफ्तार हवा से भी तेज है, देख लेना। एक, दो, तीन। उस्ताद, जीतने के लिए मुकाबले में हिस्सा लेना भी जरूरी है। सब बहुत आगे निकल गए, मुझे कुछ करना होगा। तुम सब अभी यही पहुँचे। ये तो धोखेबाजी है, खुद उड़ रहा है। कभी इस जगह के बारे में बताया नहीं। ये जानने के लिए हमें फिर से एक मुकाबला करना होगा, जो स्काई ड्रैगन तक सबसे पहले पहुंचेगा, उसे स्काई ड्रैगन को ये सवाल पूछने का मौका मिलेगा। फिर से दौड़, अरे मेरे लिए रुको। ड्रैगन स्कूल, हमने वहाँ एक रंग बिरंगी इमारत देखी, किसी ने कभी उस स्कूल के बारे में कुछ बताया नहीं। इस ड्रैगन स्कूल की क्या कहानी है, हमें बताओ ना। हाँ, बताओ ना, बताओ ना। बहुत पुरानी बात है बच्चों, हम ड्रैगन्स ने इस ड्रैगन स्कूल की शुरुआत की थी, खास उन बच्चों के लिए जो अंतरिक्ष के रखवाले बनना चाहते हों। हमने तय किया कि वहाँ ड्रैगन लड़ाई और ड्रैगन जादू सिखाया जाएगा। ज्वाला ड्रैगन लड़ाई के गुरु थे और जोर ड्रैगन जादू के। पर क्या? पर ज्वाला और जोर हमेशा इस बहस में उलझे रहे कि कौन सी विद्या ज्यादा असरदार है, ड्रैगन जादू या ड्रैगन लड़ाई। जोर ने एक जादुई मुकुट बनाया, जिससे पहनने वाले को बेहद जादुई शक्ति का वरदान मिलता। और ज्वाला ने एक शक्ति कवच बनाया, जिससे पहनने वाले को अत्यधिक बल प्रदान होता। दोनों अपनी कला का प्रदर्शन करने में लगे हुए थे।
तब जोर और ज्वाला को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जादुई मुकुट और शक्ति कवच तो बना दिया, पर अगर ये दोनों चीजें किसी गलत एलियन के हाथ लग गई तो अंतरिक्ष में तबाही मच सकती है। इसलिए उन्होंने इन दोनों चीजों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसका दरवाजा सिर्फ दो शब्दों के बोलने पर खुल सकता है। ज्वाला पहला शब्द जानता है और जोर दूसरा शब्द, और किसी को ये दोनों शब्द नहीं पता। और इस तरह ज्वाला और जोर के आपसी रंजिश के कारण हमें ड्रैगन स्कूल को बंद करना पड़ा। हमें ड्रैगन जादू सीखनी है और ड्रैगन लड़ाई भी। हमें ड्रैगन स्कूल फिर से शुरू करना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, ज्ञान का प्रदान कभी रुकना नहीं चाहिए। ज्ञान तो बांटने से और बढ़ता है।